स्वागत है आपका वॉइस ऑफ एमपी में। सब तो मैं हूं आपके साथ महक। चलिए बात करते हैं आज के मौसम की जानकारी की। तो एक साथ दो वाले सिस्टम एक्टिव होने के चलते अगले 24 घंटे में एक बार फिर मध्य प्रदेश के मौसम के बदलने के संकेत हैं। वहीं बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के चक्रवाती तूफान गुल आप में परिवर्तित हो गया है, जिसके चलते नमी आने का सिलसिला जारी है और अगले 5 दिनों तक प्रदेश में झमाझम बारिश होने के आसार है। मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने आज शनिवार को 7 जिलों में भारी बारिश के चलते येलो अलर्ट और 10 संभागों में बिजली गिरने और चमकने की चेतावनी भी जारी की है। वहीं मौसम विभाग ने आज शनिवार को प्रदेश के 7 जिलों धार, सीहोर, हरदा, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, उज्जैन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, सागर, रीवा, होशंगाबाद, ग्वालियर, चंबल, इंदौर, शहडोल संभागों में बिजली गिरने और चमकने की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, सागर, रीवा, होशंगाबाद, इंदौर संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर शहडोल, ग्वालियर और चंबल में कहीं कहीं बारिश के आसार है। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में बना गहरा अवदाब का क्षेत्र चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है, जिसके रविवार को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में टकराने की संभावना है। इसके अतिरिक्त सौराष्ट्र पर हवा के ऊपरी भाग में बना चक्रवात अरब सागर में जाकर कम दबाव का क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है। इन दोनों सिस्टम से होकर मानसून ट्रफ बना हुआ है, जो इंदौर से होकर गुजर रहा है, जिसके चलते आगामी दिनों में झमाझम बारिश होने के आसार है। विशेषकर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, होशंगाबाद, सागर, ग्वालियर संभागों के जिलों में अच्छी वर्षा होने के आसार है। वहीं रीवा, शहडोल संभागों के जिलों में कहीं कहीं बौछारें पड़ेंगी। और आपने जानी पूरे मध्य प्रदेश का मौसम कहा। इस तरह की तमाम जानकारी और लगातार हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए अपने वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।